डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंपल्सरी पेपर सेकंड। पेपर का नाम है शिक्षण अधिगम सिद्धांत, चैप्टर का नाम है शिक्षण की प्रविधियां, पार्ट थर्ड। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार में जो अभी अवशेष बचा है उसमें वाद विवाद प्रविधि, जब किसी विषय पर चर्चा के लिए दो पक्ष होते हैं, उनके अलग अलग मत होते हैं और दोनों की चर्चा के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है, तो उस प्रविधि को वाद विवाद प्रविधि कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस है, पहली इंपॉर्टेंस है इसमें महत्व, जिसको हम आप कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है इसमें। दूसरा, तथ्यों को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। तीसरा, जिज्ञासाएं शांत होती हैं, नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। अगला, मानसिक विकास के लिए यह प्रविधि उपयोगी है। माध्यमिक कक्षा से उच्च कक्षा तक के लिए यह विधि महत्वपूर्ण है। इस प्रविधि के द्वारा सुनने बोलने के कौशल का विकास होता है। अगली प्रविधि है कार्यशाला प्रविधि, वर्कशॉप टेक्निक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से पृथक रहकर उसका कोई अस्तित्व नहीं है और न वह समाज से पृथक रहकर अपना जीवन यापन ही कर सकता है। मनुष्य के लिए समाज अनिवार्य है। समाज में रहकर व्यक्ति अनिवार्य रूप से अपने छोटे छोटे समूह बना लेता है। मनुष्य समाज एवं समूह केवल अपनी सुरक्षा के लिए गठित करता है। अधिगम के लिए सुरक्षा की भावना होना नितांत आवश्यक है। समाज एवं समूह दोनों ही अधिकतम अधिगम को प्रभावित करते हैं। कक्षा भी एक समूह है। कक्षा कक्ष में अधिगम प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्मित समूह एक प्राथमिक समूह है। इसी प्रकार कार्यशाला के रूप में परिचर्चा करने के लिए बनाया गया समूह भी प्राथमिक समूह के अंतर्गत ही आता है। कार्यशाला प्रविधि का आशय है, इसका प्रयोग, कार्यशाला शब्द का प्रयोग प्रायः अभियांत्रिकी विज्ञान में किया जाता है, जिनमें व्यक्तियों को हाथ से कुछ न कार्य करना होता है, कुछ भी कार्य नहीं करना होता है, सॉरी, अभियांत्रिकी कार्यशाला में व्यक्तियों को हाथ से कुछ न कुछ कार्य करना होता है जिससे कुछ उत्पादन होता है, जैसे रेलवे वर्कशॉप, रोडवेज वर्कशॉप। अब इसी में आप देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वर्कशॉप आदि। जब हम रिसर्च यानी शोध की प्रक्रिया में अधिगम का कुछ न कुछ अधिगम जब करते हैं यानी शोध करके, तो उसमें भी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है उच्च स्तर की कक्षाओं में। तो अभियांत्रिकी वर्कशॉप में इंजनों को सुधारा जाता है और नया इंजन तैयार किया जाता है। ठीक इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी परीक्षाओं के निर्माण के लिए प्रश्न बैंक वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले अपने विषय से संबंधित विषय वस्तु पर प्रश्नों की रचना करते हैं।
इनके बनाने की विधि की जानकारी तथा प्रशिक्षण कार्यशाला में दिया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की नवीन विकसित शिक्षण प्रविधियों की तुलना में कार्यशाला अधिक व्यवहारिक और उपयोगी प्रविधि है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की विभिन्न रचनात्मक एवं व्यवहारिक समस्याओं के विविध पहलुओं पर विवेचना हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इसमें छात्र किसी समस्या के समाधान के लिए परस्पर विवेचन अथवा प्रत्यक्ष कार्य करते हैं। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार कार्यशाला एक शैक्षणिक प्रविधि है, कामा जिसमें सामान्य रुचियों और समस्याओं से युक्त व्यक्ति उपयुक्त विशेषज्ञों के साथ प्रायः आवासीय और कई दिवसों की अवधि में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने और समूह अध्ययन के माध्यम से समाधान निकालने के लिए मिलते हैं। एनसीईआरटी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कार्यशाला को परिभाषित करते हुए कथन किया है कि कार्यशाला आमने सामने का ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया अधिक निकटवर्ती तथा प्रत्यक्ष होती है और यह सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण रखती है। कार्यशाला की कुछ विशेषताएं कार्यशाला प्रवृत्ति की हैं जो निम्न है। नंबर एक, कार्यशाला में कुछ विशिष्ट उद्देश्य से कुछ व्यक्ति एक स्थान पर आमने सामने मिलते हैं। दूसरा, इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों में घनिष्ठ अंतःक्रियाएं होती हैं। तीसरा, इसमें एक या अधिक नेता होते हैं, लीडरशिप होती है एक या दो की या उससे अधिक की, जो कार्य गोष्ठी की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करते हैं। चौथा, इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों पर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण होता है। पांचवा, इसमें भाग लेने वाले समूह में गत्यात्मकता पाई जाती है। छठा, इसमें भाग लेने वाले को कतिपय निश्चित कार्य करने होते हैं। इसका उद्देश्य है कार्यशाला या कार्यगोष्ठी के उद्देश्य, इसके निम्न उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इस अनुदेशन प्रविधि के प्रयोग से निम्नलिखित ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। नंबर एक, शिक्षण व्यवसाय संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढना। नंबर दो, अनुदेशन तथा शिक्षा संबंधी परिस्थितियों के सामाजिक अथवा दार्शनिक पक्ष का विस्तार में विवेचन करना। उसके बाद फिर दूसरा आता है क्रियात्मक उद्देश्य। इस प्रविधि के प्रयोग करने से क्रियात्मक उद्देश्यों की जो प्राप्ति होती है उसके अंतर्गत निम्न क्रियात्मक उद्देश्य आते हैं। नंबर एक, शिक्षण की विशिष्ट व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना। नंबर दो, व्यक्तिगत रूप में भाग लेने तथा कार्य करने की योग्यताओं का विकास करना। कार्यशाला प्रविधि का प्रमुख उद्देश्य यह है कि नवीन प्रविधि नियमों, विधियों एवं उपागमों का सेवारत शिक्षकों को उनसे अवगत कराना और उनको प्रशिक्षण देना, जिससे वे अपने कक्षा शिक्षा में उपयोग कर सके तथा अपने शिक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि कर सके। इस प्रविधि की प्रक्रियाएं निम्न है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। कार्यशाला प्रविधि की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ वर्कशॉप टेक्निक। सर्वप्रथम कार्यशाला के लिए समस्या का चयन किया जाता है। प्रकरण का चयन हो जाने पर उसके अध्ययनार्थ संदर्भों पर भी कक्षा में विवेचना होती है। इसके पश्चात प्रकरण को कार्य गोष्ठी इकाइयों में बांट दिया जाता है और कक्षा को समूहों में, जैसे 40 छात्रों का
चार समूह, 25 छात्रों का 10 समूह, ऐसे समूह में बांट दिया जाता है। प्रत्येक समूह में 5 छात्र सदस्य हो जाते हैं। इसके बाद समूहों में प्रकरण की कार्यगोष्ठी इकाइयों को निर्धारित कर देते हैं। तत्पश्चात 2 कक्षा में डिवीजन हो गया उसका। समूहों में प्रकरण की कार्यगोष्ठी इकाइयों को निर्धारित कर देने के बाद 2 या 3 दिवस तक कम से कम 2 क्लास यानी 2 कक्षाएं अंतराल देकर के कार्यगोष्ठी समूहों की बैठकों के द्वारा संपादित होती हैं। प्रत्येक समूह अपनी निर्धारित इकाई पर कार्य करता है और प्रतिवेदन, जिसे रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्ट तैयार करता है। समस्त कार्यगोष्ठी समूह द्वारा अपने प्रतिवेदनों का परस्पर विचार विमर्श कर संशोधन करते हैं और संशोधित प्रतिवेदनों पर विवेचन हेतु 1 कक्षा का समय चक्र निर्धारित किया जाता है, जिनके समूहों के सदस्य छात्र परस्पर विवेचन करते हैं। अंत में शिक्षक प्रत्येक कार्यगोष्ठी समूह की रिपोर्ट का अध्ययन करता है और उसका मूल्यांकन करता है। इस प्रकार छात्र ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के समुचित समाधान खोजने का प्रयास करता है और व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करता है। कार्यशाला में भूमिकाएं, कुल 4 भूमिकाएं इसमें निहित होती हैं। नंबर 1, कन्वीनर, संयोजक। नंबर 2, चेयरमैन, अध्यक्ष। नंबर 3, रिसोर्स पर्सन, संसाधन व्यक्ति। नंबर 4, पार्टिसिपेंट्स, सहभागी। इस प्रकार से 4 भूमिकाएं कार्यशाला में निर्धारित की जाती हैं। शिक्षण पद, इसमें निम्नलिखित शिक्षण पद होते हैं। नंबर 1, पहला, प्रकरण या समस्या का चयन एवं प्रस्तुतीकरण। नंबर 2, प्रकरण का कार्यगोष्ठी इकाइयों एवं कक्षा समूहों में विभाजन। नंबर 3, क्रियान्वयन। नंबर 4, प्रतिवेदन तैयार करना। नंबर 5, संशोधन एवं विवेचन। नंबर 6, मूल्यांकन। इसको मैंने विस्तार पूर्वक आपको प्रक्रिया में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया, तो वो यानी उसको 5 बिंदुओं में आप उसको अध्ययन कर सकते हैं, यानी समस्या का प्रकरण का चयन और प्रस्तुतिकरण, दूसरा, प्रकरण का कार्यगोष्ठी इकाइयों एवं कक्षा समूह में विभाजन, तीसरा, क्रियान्वयन, चौथा, प्रतिवेदन तैयार करना, पांचवा, संशोधन एवं विवेचन, और छठा, मूल्यांकन। कार्यशाला प्रविधि के कुछ गुण हैं जो निम्न हैं। नंबर 1, यह प्रविधि उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है। नंबर 2, इसमें छात्रों को सामाजिक अध्ययन की रचनात्मक एवं व्यवहारिक समस्याओं पर गहन अध्ययन एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। नंबर 3, यह क्रिया प्रविधि है जिसमें छात्र क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। नंबर 4, छात्रों के स्वाध्याय एवं स्वतंत्र चिंतन के लिए यह प्रविधि विशेष उपयोगी है। कार्यशाला प्रविधि की सीमाएं, दोष, इसके दोष निम्न हैं। नंबर 1, यह प्रविधि निम्न कक्षा हेतु उपयोगी नहीं है। नंबर 2, इसमें पाठ्यक्रम पूर्ण करने में अधिक समय लगता है, अतः समय की दृष्टि से यह प्रविधि मितव्ययी नहीं है, यानी समय अधिक खर्च होता है इसमें। नंबर 3, यह कार्यगोष्ठी 4 से 5 कक्षा चक्र से कम समय में परिपूर्ण नहीं हो पाती, अतः शिक्षक एवं छात्र दोनों को कक्षा के घंटों के अतिरिक्त भी कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों पर अधिक कार्यभार पड़ता है।
नंबर चार, कार्य गोष्ठी समूह के सदस्यों में कार्य के मध्य अनुशासन की समस्या बनी रहती है, जो शिक्षक के लिए एक कठिनाई का विषय है। कार्य गोष्ठी की यानी कार्यशाला की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ वर्कशॉप। सफल शिक्षण के लिए कार्य गोष्ठियां बहुत उपयोगी हैं। शिक्षण के लिए कार्यगोष्ठी की उपयोगिता को निम्नांकित बिंदुओं पर उल्लिखित किया जा सकता है। नंबर एक, इससे छात्रों को विशेषज्ञों द्वारा विचार या ज्ञान प्रदान कराया जा सकता है। नंबर दो, समूह बनाकर छात्रों को विचार विमर्श करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। नंबर तीन, कार्यगोष्ठी पूरी तरह प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। नंबर चार, कार्यगोष्ठी अनुशासनहीनता की समस्या को जड़ से ही समाप्त कर देती है। इस प्रकार से मैंने आपको कार्यशाला या कार्यगोष्ठी प्रविधि के बारे में बताया। अगला है लास्ट भ्रमण प्रविधि, या किसी किताब में लिखा होगा क्षेत्रीय पर्यटन प्रविधि, दोनों का अर्थ एक है, फील्ड टूर टेक्निक। छात्रों व बालकों की यह मनोवृत्ति होती है कि वे समूह में रहना, समूह में खेलना, अपनी अधिकतम क्रियाओं को समूह में करना तथा उनका अधिगम भी समूह में उत्तम प्रकार का देखा जा सकता है, क्योंकि छात्र जब समूह के साथ करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना है, तो वह अधिक अस्थायी होता है। इसके छात्र ही छात्र पर्यटन के माध्यम से वस्तुओं का साक्षात निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त करते हैं। इस युक्ति से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह वस्तु की आकृति या वातावरण की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने विषयक होती है, क्योंकि बालकों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है और हंसते हंसते घूमते फिरते पर्यटन युक्ति के माध्यम से आवश्यक जानकारी वे प्राप्त कर लेते हैं। अध्यापक को इस युक्ति में दो प्रकार से सहायता करनी पड़ती है। नंबर एक, पर्यटन पर छात्रों को ले जाने की व्यवस्था करना। नंबर दो, पर्यटक स्थान पर छात्रों को निर्देशन देना तथा वस्तु की वास्तविकता से परिचित करना। इस प्रविधि की परिभाषा, प्रोफेसर रान के शब्दों में, बालक की इंद्रियां किसी कार्य को करने में जितनी क्रियाशील होती हैं वह विषय उतना ही अधिक समय तक स्मृति में रहता है। एक अन्य परिभाषा, क्षेत्रीय पर्यटन एक सुव्यवस्थित एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की परियोजना है। एक और परिभाषा है, बालकों का अनुभव बढ़ाने के लिए अध्यापकों द्वारा आयोजित विद्यालय यात्रा को क्षेत्रीय पर्यटन कहते हैं। क्षेत्रीय पर्यटन के प्रकार सामान्य रूप से इसे तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, लघु क्षेत्रीय पर्यटन। नंबर दो, सामान्य क्षेत्रीय पर्यटन। नंबर तीन, व्यापक क्षेत्रीय पर्यटन। लघु क्षेत्रीय पर्यटन का अभिप्राय एक ऐसे पर्यटन से है जो कम से कम में अधिक से अधिक वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सके। इसमें अध्यापकों द्वारा छात्रों के पास ही किसी स्थान, धर्मशाला, मंदिर, मुर्गी पालन केंद्र, पुस्तकालय, कृषि, बागवानी, तालाब आदि पर ले जाते हैं और उनका वास्तविक ज्ञान उनको देते हैं। यह टूर 2 या 3 घंटे का ही होता है। इसका प्रयोग प्रायः प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। दूसरा, सामान्य क्षेत्रीय पर्यटन का अभिप्राय है जो एक दिन के लिए अथवा मध्यावकाश से भी छात्रों को किसी नजदीकी स्थान पर ले जाने से है, जैसे ऐतिहासिक स्थान, नजदीकी गांव, स्टेशन, दूरदर्शन, संग्रहालय तथा पास में स्थित तालाब, पुल आदि। इसके माध्यम से बालक इनके विषय में प्रत्यक्ष रूप से
ज्ञान प्राप्त करता है तथा वास्तविक अनुभव प्राप्त करता है। नंबर 3, व्यापक क्षेत्रीय पर्यटन। इस पर्यटन का आयोजन विद्यालय परिसर से बाहर अधिक समय के भ्रमण के लिए किया जाता है। इसमें शिक्षक को यह स्थान निश्चित कर लेते हैं तथा अपने निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उस स्थान पर ले जाकर वस्तुओं तथा वहां के पर्यावरण का वास्तविक ज्ञान कराते हैं। जैसे जयपुर के ऐतिहासिक स्थानों का ज्ञान कराना, लखनऊ के जो नवाबों की नगरी है वहां के ऐतिहासिक स्थानों का ज्ञान कराना, दिल्ली में ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी बच्चों को कराने के लिए पर्यटन में ले जाना, ये सब व्यापक क्षेत्रीय पर्यटन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के भ्रमण पहाड़ियों, समुद्र के किनारों, पठारों, धार्मिक स्थलों, कल कारखानों, नदियों, धार्मिक स्थलों आदि के होते हैं। इस प्रकार के भ्रमण उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए लागू होते हैं। इसका उद्देश्य, क्षेत्रीय पर्यटन का प्रमुख उद्देश्य निम्न है। नंबर 1, छात्रों में करके सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन करना। नंबर 2, छात्रों को अनुभव द्वारा ज्ञान प्रदान करना। नंबर 3, छात्रों में सामाजिकता एवं सांस्कृतिकता का विकास करना। नंबर 3, छात्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करना। नंबर 5, छात्रों में जानने की जिज्ञासा को उत्पन्न करना। नंबर 6, छात्रों में अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास करना। नंबर 7, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास कराना। नंबर 8, छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक, बोधात्मक, संज्ञानात्मक तत्वों को विकसित करना। नंबर 9, अस्पष्ट एवं वास्तविक ज्ञान में अस्पष्टता एवं शुद्धता का प्रवाह कराना। नंबर 10, छात्रों की अभिवृत्तियों विचारों में परिवर्तन कराना क्षेत्रीय पर्यटन प्रविधि के प्रमुख उद्देश्य हैं। क्षेत्रीय पर्यटन प्रविधि की उपयोगिताएं, इसकी निम्न उपयोगिताएं हैं। नंबर 1, छात्रों में नवीन रुचियों का विकास। नंबर 2, मानसिक शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण ज्ञान प्रदान करना। नंबर 3, सभी स्तर के छात्रों के लिए यह उपयोगी है। नंबर 4, घूम करके, बाहर टहल करके, यानी सैर सपाटा के माध्यम से बालकों को ज्ञान प्रदान करना। मनोरंजन के माध्यम से उपयोगी ज्ञान का बढ़ावा देना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्रों को स्थल को दिखाकर उसका प्रत्यक्षीकरण करना। पहले अनुभव, बाद में ज्ञान की प्रक्रिया को का संचालन बच्चों में कराना, ये क्षेत्रीय पर्यटन की प्रविधि की उपयोगिता है। इस प्रकार से मैंने शिक्षण की प्रविधियों का पूरा उल्लेख मैंने 3 पार्टों में आपको करके समझाने की कोशिश किया।